सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक छुआ 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं यू एंड आई कंपनी का ये पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये हमें 600 की पड़ी है, जिसमें हमको 6 महीने की वारंटी भी दी गई है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और देखते हैं कि ये जिस प्राइस अमाउंट में हम लेकर आए हैं उस प्राइस अमाउंट में ये इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी उस हिसाब से है या नहीं है। अगर आप भी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं, खासकर यू एंड आई कंपनी का लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने में। और साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरा कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर खरीदते हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में ये कितना अच्छा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियो आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बाहर की साइड कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, और एक हैंडबैग की तरह एक पकड़ने के लिए भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब आप कहीं भी इसको बांध के ले सकते हैं, ले जा सकते हैं जो भी हो। और इसमें दोस्तों कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, ये रहे, ये सारे फीचर्स हैं इसके। तो चलिए पढ़ के भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें बीटी वायरलेस कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आप इसमें मेमोरी कार्ड भी घुसेड़ सकते हैं। शायद आपको माइक्रोफोन का भी ऑप्शन दे दिया गया है, और इसमें आप पेन ड्राइव, वॉक्स केबल, वॉइस कॉलिंग, इसमें अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं, किसी का कॉल आए तो अटेंड करके इसमें कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ रिचार्जेबल बैटरी है, तो ये हमें पता है। और दोस्तों, ये 10 वॉट का स्पीकर है, यहाँ पे बड़ी। साथ ही साथ दोस्तों इस पर लिखा है कि 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ इसमें जानकारियाँ लिखी हैं, वो भी पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखी है इसकी जानकारियाँ, कुछ हो सकता है आपको दिख ना रहा हूँ, बट मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसको चार्जिंग करने के लिए कम से कम 2 एम्पीयर का चार्जर आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी जो रेंज है, आपका आपकी डिवाइस इससे जो कनेक्टिविटी रेंज होती है वो 10 मीटर की दायरे में आप इसको कनेक्ट करके बजा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वर्किंग टाइम इसका 6 घंटे का है, जो इसका चार्जिंग टाइम है दोस्तों 1 से 2 घंटे का है। इतना तो हमारे लिए जानकारी बहुत हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सीरीज़ है वो साउंड सीरीज़ है, यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा है साउंड सीरीज़। और क्या है, तो दोस्तों इसका मेक इन इंडिया, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए आप देख सकते हैं। और जो इसका मॉडल नंबर है वो है दोस्तों UIBS630, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि अंदर की साइड से कैसी हमको पैकिंग मिलती है। तो खुलने के लिए दोस्तों कुछ ऐसा डिब्बा खुल जाएगा, और कुछ इस तरीके से ये स्पीकर आपको देखने को भाई मिल जाएगा स्पीकर। तो डिब्बा दोस्तों खाली हो गया, तो डिब्बे को रख देते हैं साइड में अपने। सेम टू सेम अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको याद होगा KDM का 113 मॉडल आता था ब्लूटूथ स्पीकर, वही सेम है, सेम उसके जैसा ही है, सेम है बिल्कुल। बट बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी में आपको बाहर की साइड एक कपड़े से लपेटा हुआ इंसान मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग जो होनी चाहिए वो तो नहीं है, बट साथ ही साथ यू एंड आई का एक लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की साइड एक रबड़ ग्रिपिंग है, ताकि आप कहीं स्पीकर रखें तो ये हिले नहीं। और ऊपर की साइड से आप कुछ बटन्स दे दिए गए हैं, जिसमें प्लस माइनस बीच में आप मेनू चेंज कर सकते हैं। और इधर की साइड है आपको पावर ऑफ और नेक्स्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, तो कुछ इस तरीके से इसका शटर खुलता है, और शटर खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो भाई, इसमें दे दिया गया है आपको चार्जिंग पोर्ट, साथ ही साथ USB ड्राइवर भी लगा सकते हैं आप, कार्ड रीडर भी लगा सकते हैं, एक ऑक्स, और साथ ही साथ चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे दे दिया है। तो मिलती जुलती कुछ अलग यूनिक करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स ही अलग दे दिया गया है, ज़्यादा कुछ अलग। चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं कैसा ये आवाज़ निकालता है। सो गाइस, ऑन करते ही ये सबसे पहले वेलकम मूड में आ जाता है, और डायरेक्ट ही ब्लूटूथ डिवाइस से ही ऑन होता है। तो देखते हैं इसमें मोड कौन कौन सा मिल जाता है, वो पहले देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो सबसे पहले हम मोड पे जाएंगे, एम, यहाँ पे एम लिखा होगा आप देख सकते हैं, एम लिखा है इस पे। तो इसका मोड चेंज करते हैं FM मोड। तो भाई, इसने FM मोड भी दे दिया है, बट FM मोड बज नहीं रहा है। चलो स्टेशन चेंज करके देख लेते हैं। आया था कुछ, आया था FM मोड और ब्लूटूथ मोड, और जब आप ऑक्स केबल डालेंगे तो ऑक्स केबल मोड भी ये बक देगा। सो गाइस, ऑक्स केबल तो हमको इसमें दिया नहीं गया है, ना ही चार्जिंग का केबल दिया गया है। चलिए, जो भी है ठीक है।
तो चलिए फटाफट इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस रेंज में ये लेना चाहिए या किसी और ब्लूटूथ स्पीकर की ओर हमें रुख करना चाहिए। तो इसका मॉडल नंबर भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, इसमें जो इसका मॉडल नंबर था वही लिखा है 630। चलिए फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। कनेक्टेड। तो भाई आवाज़ बहुत ही बुलंद आई है, साथ ही साथ अब देखेंगे क्या साउंड क्वालिटी भी इतनी बुलंद है या नहीं है। तो यहां से पहले हम फुल कर देते हैं ताकि पता चले। ओके, ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे हो चुका है, आप सुनते जाइए। लाउड हो रहा है इस पे, ये फट रहा है आई थिंक। अब एक चीज मैं बता दूं कि ये फास्ट साउंड अगर आप चाहते हैं, एक ज्यादा लाउड साउंड चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। और दूसरी बात के कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो MP3 प्लेयर्स होते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी दबी होती है, तो उस हिसाब से साउंड थोड़ा सा कम देगा और कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि जैसे आवाज फट रहा है। एक्चुअली ये फट नहीं रहा होता है, जो इसकी साउंड क्वालिटी है और जो इसका स्पीकर का डिज़ाइन है उस हिसाब से ये आवाज़ को लाउड करने के लिए वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट करता है, हमिंग ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमको लगता है ये फट रहा है। तो बात करें इसमें जो बास क्वालिटी है, बास क्वालिटी बहुत ही मीडियम है। बास क्वालिटी अगर देखे गए तो ना के बराबर बास आती है, बट उतना नहीं आता ना के बराबर ही समझिए। हाँ, लेकिन अगर लाउडनेस में आप चाहते हैं, ज़्यादा लाउड आवाज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आप पोर्टेबल स्पीकर ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि इसको आप 600 रुपये में लेना चाहिए या नहीं। सो गाइस, अगर आप भी एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं मिड रेंज में 500 से 600 के बीच, तो वारंटी के साथ ये पोर्टेबल स्पीकर आप ले सकते हैं। हाँ, इसका ये प्लस पॉइंट ये है कि साथ के साथ इसमें हमें वारंटी भी देखने को मिल जाती है, जहाँ की फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो 600 में ठीक है, अच्छा आप ले सकते हैं। और जो घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं या आपकी छोटी शॉप है या ऐसा कुछ भी है, तो ये स्पीकर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।